हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएसएस 2 का इम्पोर्टेंट टॉपिक सेल सपोर्टिंग स्टैक्स के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है और ये काफ़ी आसान है और इसे हम कम से कम स्टेप में करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिज़ाइन फॉर डेली अ सेल सपोर्टिंग स्टील स्टैक ऑफ हाइट 40 मीटर अबव द ग्राउंड। द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट ऑफ चिमनी इज 2 मीटर। The foundation has to rest on the medium type of soil having bearing capacity 150 kN per meter square. The topography at the site is flat and the location is terrain category 2. Design chimney along with foundation. तो इससे पहले हम क्वेश्चन शुरू करें सॉल्यूशन, उससे पहले हम क्वेश्चन का गिवन लिख लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो डिज़ाइन फॉर दिल्ली दिया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है मैंने। उसके बाद हाइट ऑफ चिमनी दी है 40 मीटर, वो रही। उसके बाद टेरेन कैटेगरी 2 दी हुई है, ये रही। ये जो जो क्वेश्चन में गिवन है ये हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, बस आपको ये लिखनी है टोपोग्राफी इज ऑलमोस्ट फ्लैट, डायमीटर ऑफ द चिमनी इज 2 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में टोटल स्टेप्स हैं हमारे 6, जिसके अंदर पहला होगा बेसिक डायमेंशन ऑफ चिमनी। उसके बाद दूसरा जो स्टेप होगा वो होगा कंप्यूटेशन या फिर कैलकुलेशन ऑफ विंड लोड, मतलब विंड लोड कितना लग रहा है चिमनी पर अलग अलग सेक्शंस पर। फिर उसके बाद हम स्ट्रेस कैलकुलेशन करेंगे चिमनी पर उन्हीं सेक्शंस पर जिस पर हमने कैलकुलेशन किया है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम एक चिमनी को कितने चिमनी या सेल सपोर्टिंग स्टैक जो भी बोल सकते हैं उसे कितने सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा आप कम से कम सेक्शन में डिवाइड करें और इससे आपकी कैलकुलेशन का टाइम भी बचेगा और वो भी बचेगा कि आपका एफर्ट भी बचेगा। उसके बाद डिज़ाइन ऑफ बेस प्लेट करेंगे हम, होल्डिंग डाउन बोल्ट करेंगे, डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशन करेंगे। पेपर में आपको इतना क्वेश्चन भी अगर आपने कर दिया तो भी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ये जो 3 स्टेप हैं इसमें से ये स्टेप तो बिल्कुल ही ना ही करो तो भी चल जाएगा काम। ठीक है, आपको बेसिकली ये 2 स्टेप, दूसरा और तीसरा स्टेप, ये बड़े भी स्टेप हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हैं, क्योंकि इसी के अंदर जो एग्जामिनर है वो आपकी कैलकुलेटिव पार्ट इन्हीं में चेक कर लेगा। ये दोनों तो बस ऐसे ही है नॉर्मली, पर हम सारे स्टेप्स करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं सॉल्यूशन 1, मतलब इसका स्टेप 1। बेसिक डायमेंशन ऑफ चिमनी करनी है, बेसिक डायमेंशन करनी है। उसमें पहले हमें पता होना चाहिए हाइट कितनी गिवन है चिमनी की। तो हमारी हाइट जो गिवन है वो 40 मीटर गिवन है। उसके बाद डायमीटर कितना दिया हुआ है चिमनी का, 2 मीटर दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें फ्लेयर डिजाइन करना है। अब आप जैसे ये चिमनी देख रहे हो तो इसके अंदर जो ये पार्ट है ना, ये 2 मीटर जो दिया और इसकी हाइट दी हुई है टोटल 40 मीटर, वो तो हमारे गिवन हो गए। लेकिन हमें फ्लेयर डिजाइन करना होता है, जो ये पार्ट देख रहे हो ना ट्रेपोजियम पार्ट, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे बोलते हैं फ्लेयर। इसे डिज़ाइन करने के लिए स्टैंडर्ड्स में कुछ कंडीशंस गिवन है, जैसे कि इस वाले स्टैंडर्ड में। आप अक्सर मुझसे कहते हो वीडियो में कि आपने जो कोड्स यूज़ करते हैं उनका रेफरेंस नहीं देते, तो रेफरेंस ये दे दिया, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड 6533 पार्ट 2 है और 1989 का है। ठीक है, तो इसमें पेज नंबर 4 पर इसके बारे में गिवन है। इस कोड के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है मिनिमम हाइट ऑफ द फ्लेयर बी इक्वल टू 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द चिमनी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन दी हुई है मिनिमम आउटसाइड डायमीटर ऑफ द फ्लेयर चिमनी शैल बी एट द बेस टू बी इक्वल टू 1.6 times ऑफ द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द चिमनी शैल बी एट टॉप। जो उस कोड में गिवन है बात, उसका मतलब ये है कि जो आप फ्लेयर की जो हाइट होगी ना, मतलब जो ये फ्लेयर है हमारा, इसकी हाइट हम ले सकते हैं 1/3 से 1/4 तक ले सकते हैं। उसके अंदर डायरेक्टली हमें 1/3 दिया हुआ है, लेकिन जो इससे भी पुराने कोड है उसके अंदर 1/4 भी ली हुई है हमने, तो हम इसकी एक एवरेज ले लेंगे, 1/3 to 1/4 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 1/4 ले लिया इनटू 40 कर दिया। ठीक है, जो ये हाइट दी हुई है गिवन, इसे 1/4 ले लिया, 1/4 यानी कि 10 मीटर, जो हमारा हाइट ऑफ द फ्लेयर है ये देखो 10 मीटर, हमारा हाइट 10 मीटर की होगी फ्लेयर की। उसके बाद डायमीटर ऑफ फ्लेयर बताना है, मतलब जो ये डायमीटर है ये 2 मीटर चिमनी का दिया हुआ है लेकिन हमें फ्लेयर का बताना है, तो फ्लेयर का उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, तो उसका भी उसी कोड में गिवन था पेज नंबर 4 पे, जो भी कोड मैंने आपको दिखाया था वो हम ले सकते हैं 1.3 से 1.6 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 1.4, 1.5। ठीक है, तो मैंने ले ली 1.6, हाईएस्ट वैल्यू ले ली मैंने, 1.6 मल्टीप्लाई 2 कर दिया तो 3.2 मीटर हो गया हमारा फ्लेयर। ठीक है, यहाँ तक हुआ स्टेप 1। और अब हम चलेंगे स्टेप 2 की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब स्टेप है, इसे ध्यान से समझना जो मैं एक बार बता रहा हूँ। तो हमारा दूसरा स्टेप है कंप्यूटेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ विंड लोड।
और जो भी इसके अंदर हम कैलकुलेशन करेंगे या जो भी हम इसके अंदर वैल्यूज़ यूज़ करेंगे वो सारी वैल्यूज़ और कैलकुलेशन बेस्ड होगी हमारी IAS स्टैंडर्ड 875 पार्ट थर्ड 1987 में आया था। ये रहा वो जो कोड हम यूज़ करेंगे, इसे विंड लोड भी कहते हैं, मतलब पार्ट थ्री विंड लोड। तो सबसे पहले हम फोर डेली दिया हुआ है VB, ठीक है। हम मैं बताऊंगा भी VB क्या होता है। एक्चुअली VB होता है बेसिक विंड स्पीड एट साइट, जिस साइट पे कुछ चिमनी हमें तैयार करनी है, खड़ी करनी है, उस साइट की बेसिक विंड स्पीड कितनी है। इसके लिए इन्हें स्टैंडर्ड में दिया हुआ है इसी कोड के अंदर पेज नंबर 53 पर। तो क्वेश्चन में फोर डेली दिया हुआ था, तो डेली के लिए 47 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। ये रहा आपका पेज नंबर 53 उसी कोड का। और जो दिल्ली के लिए हमें यूज़ करनी है, इसके अंदर सारी स्टेट्स की दी हुई हैं, तो बेसिकली हमें दिल्ली के लिए देखनी है, तो इसमें देख सकते हैं हम दिल्ली। ये रहा दिल्ली 47, ठीक है। तो ये स्टेप एक गेम की तरह है, इस गेम को खेलने के लिए हमें बेसिक रूल पता होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक रूल क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले जो ये ब्लू बॉक्स में दिख रहे हैं ना, ये पता होनी चाहिए हमें। तो पेज नंबर 8 पर है, दिया हुआ है इसी कोड के अंदर, द डिजाइन विंड स्पीड एट एनी हाइट जेड इज गिवन बाय वी जेड इज इक्वल टू वी वन वी बी के वन के टू के थ्री। अब वी बी क्या है, वी बी है हमारा बेसिक विंड स्पीड एट साइट, वो हम ये ले लेंगे, ठीक है। के वन है हमारा रिस्क फैक्टर, के टू हमारा टेरेन रफनेस एंड साइज फैक्टर है, उसके बाद के थ्री हमारा टोपोग्राफी फैक्टर। ये पेज नंबर मैंने लिखे हुए हैं। अब मैं बार बार अगर आपको बीच में कोड दिखाता हूँ तो उसमें टाइम वेस्ट बहुत होगा, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये रहा कोड का पेज नंबर 8 और ये रहा वो फॉर्मूला, वी जेड इज इक्वल टू वी बी के वन के टू के थ्री, और ये उसकी वो दी हुई है एक्सप्लेनेशन। तो बस हमें बस तीन फॉर्मूले पता होने चाहिए, विंड वेलोसिटी पता होना चाहिए वी जेड, जो ये है यहाँ से लिया, ठीक है, वी जेड। उसके बाद विंड प्रेशर पता होना चाहिए, कैसे निकलेगा वो निकलेगा, जो ये वी जेड आया ना, इसे इसका स्क्वेयर कर देंगे और 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका पी जेड मतलब विंड प्रेशर आ जाएगा। उसके बाद हम विंड फोर्स की बात करेंगे, एफ जेड, उसे हम करेंगे जो ये पी जेड है ना, ये यहाँ रख देंगे इंटू 0.7 इंटू एरिया। एरिया किस चीज़ का लेना, उस चिमनी के सेक्शन का, जिस सेक्शन को हम कंसिडर करेंगे। तो अब आप गेम के सारे रूल जान चुके हैं, चलिए गेम शुरू करते हैं। तो अब हमने चिमनी को है ना चार सेक्शंस में डिवाइड कर लिया, जैसे कि मैंने बताया था हमने जो फ्लेयर लिया था वो 10 मीटर का लिया था। आप चाहें तो इस चिमनी को कितने भी सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने तो इन सेक्शनों की जो मिनिमम है 10 मीटर ली हुई है ना, एक सेक्शन की 10 मीटर, दूसरे की भी 10, तीसरे की भी 10, चौथे की भी 10। आप चाहें तो 5-5 के भी कर सकते हैं, लेकिन जितने याद रखना, जितने स्टेप आप बढ़ाएंगे, मतलब जितने सेक्शन डिवाइड में आप करेंगे उसे, उतनी कैलकुलेटिव पार्ट आपका बढ़ जाएगा, और जो कि क्वेश्चन पेपर में बहुत ही वो हो जाएगा मुश्किल काम करना उसका। तो मेरा अगर आप मेरी एडवाइस मानो तो आपको ये कम ज़्यादा से ज़्यादा बड़े सेक्शन लेने चाहिए, मतलब जैसे कि अगर ये तो 40 मीटर का डिस्टेंस है, मतलब 10-10 के में भाग लिया, अगर 80 का होता तो मैं 20-20 के मीटर्स के लेता, ठीक है। तो आप जब क्वेश्चन करेंगे आप समझ जाएंगे, एक क्वेश्चन जब आप इसे करने बैठेंगे खुद, तो आप समझ जाएंगे कि बड़े सेक्शन लेने में आपका ज़्यादा फायदा है। मतलब ये 10 मीटर का है ना, तो ये बड़े लेने में अगर आप 5 लेते तो आपकी कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा बढ़ती, हर सेक्शन के लिए अलग करना पड़ता, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेगमेंट वन की बात करेंगे, तो सेगमेंट वन में एच जो है 40 मीटर है, टोटल हाइट कितनी है 40 मीटर और डी है 2 मीटर। ये रहा हमारा सेक्शन वन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इस तक हमारी जो हाइट है वो 40 मीटर है और डायमीटर हमारा 2 मीटर है। उसके बाद हमने लिया क्लास ऑफ स्ट्रक्चर इज इक्वल टू बी, ये कहाँ से लिया है, ये कोड का पेज नंबर 11 है और इसके ऊपर दी हुई है ये, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं क्लास बी स्ट्रक्चर एंड और देयर कॉम्पोनेंट सच एज क्लैडिंग ग्लेजिंग रूफिंग एक्सेट्रा हैव मिनिमम डायमेंशन ग्रेटर हॉरिजॉन्टल बिटवीन 20 to 50 meters। मतलब कोई भी ऐसी बिल्डिंग जिसकी हाइट 20 से 50 meters के बीच में है वो हमारी क्लास बी कहलाती है, ठीक है। तो हमारी जो ये चिमनी हमें बनानी है ये हमारी है 40 meters की, तो 20 और 50 के बीच में आ रही है, तो हमारी क्लास बी हो गई, तो हम क्लास बी ले लेंगे। उसके बाद आपके लिए सबसे बढ़िया बात बताता हूँ मैं, के वन और के थ्री की वैल्यू आप वन ही लेना, रिस्क फैक्टर वन ही लेना, टोपोग्राफी फैक्टर भी वन ही लेना। ये एक्चुअली चेंज वहाँ होते हैं जहाँ पर है ना आपकी ढलान हो, स्लोप हो ग्राउंड पे, मतलब जो आपकी ग्राउंड की कंडीशन है वो अच्छी नहीं है और विंड की कंडीशन भी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर रिस्क फैक्टर थोड़े बढ़ जाते हैं और टोपोग्राफी फैक्टर बढ़ जाते हैं। लेकिन आपके लिए अच्छी बात यह है कि जितने भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे वो फ्लैट ग्राउंड पे दिए जाएंगे, इसीलिए उसमें रिस्क फैक्टर के वन और टोपोग्राफी फैक्टर के थ्री हर हमेशा वन ही रहेगा और वन ही लेना आप, ठीक है। अब हम बात करेंगे के टू की, के टू में आप यहाँ पे इंटरपोलेशन मेथड लगाया हुआ है, वो के टू की वैल्यू कहाँ से उठानी है मैं बताता हूँ अभी।
ये हमारी टेबल है, पेज नंबर 12 पर है ये, इसी कोड के जो कोड हम इस स्टेप में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी ये दी हुई है टेरेन कैटेगरी 1, जो भी हम यूज़ करेंगे, टेरेन कैटेगरी 2, टेरेन कैटेगरी 3, और जो हमने क्लास बी बताया था ना स्ट्रक्चर का, वो क्लास कहाँ यूज़ करेंगे, वो ये रहे ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। तीन तरह की स्ट्रक्चर ऑफ क्लासेस होते हैं, ए बी सी, तो वो यहाँ यूज़ करेंगे हम। उसके बाद हमारी बिल्डिंग है, मतलब हम जितने भी हाइट पे होंगे वो हाइट यहाँ देख लेंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू देख लेंगे। फिर आपको इंटरपोलेशन मेथड लगाना है, जो आप लगाता है, इंटरपोलेशन मेथड की बहुत सारी वीडियो नेट पर अवेलेबल हैं कि कैसे लगाते हैं। बस आपको ये वैल्यू सामने से उठानी है, उसका डिफरेंस निकालना, मल्टीप्लाई करना उनके फैक्टर से, बस यही मल्टीप्लाई यही होता है। तो K2 की वैल्यू हम इंटरपोलेशन मेथड से निकाल लेंगे ऐसे। उसके बाद हम वो जो तीन फॉर्मूले हमने गेम में बताए थे ना मैंने, बस वो यूज़ करना है और आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले विंड वेलोसिटी निकालेंगे हम सेगमेंट 1 के लिए, VZ, K1, K2, K3 और इनटू VB करना है, ठीक है। तो K1 और K3 तो 1 1 है, और जो K2 की वैल्यू वो आपने यहाँ से लिया है 1.125, और VB की वैल्यू हमने कितनी उठाई थी, पेज नंबर 53 से कोड के 47 मीटर पर सेकंड, तो 47 लगा देंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आएगी मीटर पर सेकंड में, क्योंकि वेलोसिटी है, ध्यान रखना, वेलोसिटी आएगी मीटर पर सेकंड में। उसके बाद हम करेंगे विंड प्रेशर कितना लगेगा। विंड प्रेशर निकालने के लिए मैंने बताया था आपको, बस कुछ नहीं करना, जो VZ आया है ना आपका, उसको स्क्वेयर करना है, मल्टीप्लाई 0.6 करना है। तो वही करेंगे, जो आपका ये आंसर आया ना 52, उसे यहाँ रख लेंगे, उसका स्क्वेयर कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से, और आपका आ जाएगा ये। अब जो आया ये प्रेशर है, तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, ठीक है, उसमें आपकी वैल्यू आ गई। उसके बाद कुछ नहीं है आपको, विंड फोर्स निकालना है। फोर्स जो है, फोर्स है तो वो आएगा न्यूटन में, न्यूटन या किलो न्यूटन में, तो वो मल्टीप्लाई करने के लिए बताया था 0.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू ये कर देंगे VZ, मतलब PZ जो आया था हमारा, ये उठा के यहाँ रख देंगे। उसके बाद ये 20 कहाँ सा, ये एरिया है हमारा 20, एरिया का मतलब है जैसे कि 2 × 10, मतलब सेगमेंट का जो एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकाल लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 × 10 20 हो जाएगा, दैट्स इट। उसके बाद आपका आया है विंड फोर्स, तो हमने जितना भी ये सेगमेंट में तामझाम किया है ना, कोड से देखना, वैल्यू निकालना, और जो हमने ये सब किया, ये हमने किया इस वैल्यू के लिए जो ये आई है, ठीक है। अब इसे कहाँ पुट करेंगे हम, तो सेगमेंट 1 के लिए जो वैल्यू आई थी वो हमने यहाँ लिख ली, ठीक है। और ये एक्ट कहाँ कर रही है, ध्यान रखना, ये हमेशा मिड में एक्ट करेगी, मतलब जैसे ये 10 मीटर का है ना ये सेगमेंट, तो 5 5, समझ गए, मिड पे एक्ट करेगी। अब हम चलेंगे सेगमेंट 2 की तरफ, सेगमेंट 2 की वैल्यूज निकालेंगे। तो हमने सेगमेंट 1 के अंदर हर चीज़ है ना बहुत एक्सपेंड करके लिखी हुई थी, इसमें हम कम कर देंगे, यानी कि यहाँ पे अब सेगमेंट 2 के लिए हमारी हाइट 30 मीटर हो गया, डायमीटर सेम रहेगा 2 मीटर। ये 30 मीटर कैसे हुई ये अभी बताता हूँ। अब जैसे हम सेगमेंट 2 की बात कर रहे हैं, यहाँ तक हाइट थी चिमनी की 40 मीटर, इस लेवल तक, यहाँ टॉप तक, X0 जो सेक्शन है वहाँ तक हमारी 40 मीटर थी, लेकिन जब हम सेगमेंट 2 पर आए तो 10 मीटर हम कम भी तो हो गए ना, इसीलिए तो 40 − 10 कर दिया, तो हमारा बच गया ये 30 मीटर, मतलब ये जो हम इस सेक्शन की बात कर रहे हैं इसकी टॉप हाइट है 30 मीटर तक, इसलिए वहाँ पे H जो हमने लिया वो 30 मीटर लिया है। और ये भी क्लास ऑफ स्ट्रक्चर जो हमारा है ये बी ही रहेगा, क्योंकि 20 और 50 के बीच में आ रही है, जो पेज उसमें कोड में मैंने आपको बताई थी पेज नंबर 11 पे देखने के लिए। उसके बाद K1 K3 हमारा 1 ही रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, वो हर मतलब जितनी भी आप सेगमेंट यूज़ करेंगे उसमें K1 और K3 सेम रहेगा। उसके बाद K2 की वैल्यू डायरेक्ट 1.10, उसके अंदर इंटरपोलेशन मेथड नहीं लगेगा, ठीक है, ये डायरेक्ट आपको उस टेबल से उठानी है जो पेज नंबर 12 पे दी हुई है कोड की। उसके बाद हम विंड प्रेशर की बात करेंगे। अब आप मुझसे पूछेंगे कि हमने इससे पहले विंड वेलोसिटी VZ क्यों नहीं निकाली, वो इसलिए निकाली क्योंकि इसके अंदर ही कम वो कर दिया मैंने, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, मतलब वो करना क्या होता है, बस 47 से मल्टीप्लाई करना होता है, 47 × 1 × और ये वैल्यू, तो बस 1 × 47 × ये वैल्यू करी ना, ये पूरी पूरी हमारी VZ को डिनोट कर रही है, मैंने यहीं रख दी डायरेक्ट, उसका स्क्वेयर कर दिया 0.6। उसके बाद हमारी ये वैल्यू होगी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर में। इसके बाद हम विंड फोर्स निकालेंगे, वही 0.7 × 20 × 1.603 करेंगे, मतलब ये जो वैल्यू ये यहाँ पुट करेंगे, 20 कैसा है, 20 आया हमारा। इस सेगमेंट का हम एरिया निकालेंगे, तो 2 मीटर तो इसका वो है डायमीटर और इसकी हाइट है 10 मीटर, 20 × 2 × 10 = 20, तो हमारा विंड फोर्स आ जाएगा हमारा 22.442 किलो न्यूटन। इस ये सारा काम जो हम किया हमने इस वैल्यू के लिए, अब ये वैल्यू हमें पुट करनी है डायग्राम में, तो हमने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी 22.442 किलो न्यूटन। ये भी मिड में एक्ट करेगी, मतलब 10 की अगर ये हाइट है तो 5 5 पे एक्ट करेगी, ये ध्यान रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे सेगमेंट 3 की, इसके लिए हाइट हो जाएगी 20 मीटर, क्यों हो गई, 10 − 10, ठीक है, मतलब कि जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं
सेगमेंट थ्री की बात कर रहे हैं तो अब हमारी हाइट ये है, उससे ऊपर 10 और 10 माइनस कर देंगे, 40 माइनस 20 कितना आया, 20 आया, इसलिए हाइट आई हमारी 10 20 मीटर। फिर हम बात करेंगे डायमीटर की, वो 2 मीटर ही रहेगा। क्लास ऑफ द स्ट्रक्चर ये भी बी रहेगा क्योंकि उसमें जो कंडीशन है पेज नंबर 11 पे वो बिटवीन 20 टू 50 है, तो 20 का भी हम इसी में लेंगे, ये भी क्लास ऑफ स्ट्रक्चर बी में ही रहेगा। इसके बाद K1 K3 की वैल्यू 1 ही रहेगी, K2 की वैल्यू डायरेक्ट ले लेंगे हम पेज नंबर 12 से कोड के, ठीक है। तो विंड प्रेशर आएगा हमारा VZ, वही सेम जैसे यहाँ किया है, 0.6 मल्टीप्लाई ये इंटू 47 बेसिक विंड स्पीड, उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर में। उसके बाद हम विंड फोर्स निकाल लेंगे, 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे एरिया, 20 यहाँ एरिया है, एरिया सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद ये जो वैल्यू यहाँ रख दी हमारी आ जाएगी ये वैल्यू, ये सेगमेंट थ्री में हम पुट कर देंगे डायग्राम के अंदर, ये डाल दी हमने वैल्यू सेगमेंट थ्री के लिए 20.45 किलो न्यूटन। सेम एज इट इज़ हम सेगमेंट फोर के लिए निकाल लेंगे जो हमारा सबसे नीचे फ्लेयर पोर्शन है। फ्लेयर पोर्शन के अंदर अब हाइट हमारी 10 मीटर रह चुकी है, और डायमीटर को हम ये एवरेज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर दो अलग अलग डायमीटर हैं, ऊपर का अलग नीचे का अलग, तो हम उसका एवरेज ले लेंगे, ठीक है। तो 2.6 मीटर आ जाएगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख ही रहे हैं। अगर मान लो यहाँ तक की हाइट कितनी है, ये टोटल है 40, तो 10 10 10 ये माइनस कर देंगे ना, 30 माइनस कर देंगे 40 में से, तो हमारी आ जाएगी 10, तो इसकी हाइट हुई हमारी 10 मीटर। और जो इसका डायमीटर है, ये डायमीटर अलग है और नीचे का डायमीटर अलग है, नीचे का है 3.2, ऊपर का है 2 मीटर जो ऊपर से देख रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसकी एक एवरेज ले लेंगे, 2 + 3.2 / 2, तो हमारा जाएगा 2.6 मीटर। उसके बाद आपके स्टेप और गेम के स्टेप्स वही हैं, K1 और K3 1 के इक्वल हैं, और हमें विंड प्रेशर निकालना है 0.6, वो आएगा हमारा वही, इसे मल्टीप्लाई करेंगे जो 1 आ रहा है, ठीक है। ये 1 यहाँ रख दिया, 47 से इसका टोटल का स्क्वायर कर दिया, 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारी आ गई विंड प्रेशर की वैल्यू। उसके बाद विंड फोर्स की बात करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसे हम दोबारा डायग्राम में पुट कर देंगे, तो हमने ये भी यहाँ पुट कर दी 24.115, ठीक है, ये एक्ट करें यहाँ पर। और इसी के साथ हमारा स्टेप 2 भी ख़त्म होता है। अब हम चलेंगे स्टेप 3 की तरफ, जो कि है स्ट्रेस कैलकुलेशन ऑन चिमनी। ये रहा हमारा स्टेप 3, स्ट्रेस कैलकुलेशन ऑन चिमनी, और ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने स्टेप्स के अंदर बने हैं ना, मतलब सेगमेंट 4 सेगमेंट बने हैं क्वेश्चन 2, मतलब स्टेप 2 के अंदर, तो 3 में भी वही 4 होंगे, हम उसके अंदर बस स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। जब हमने स्टेप 2 का गेम खेला था तब भी मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, अब हम स्टेप 3 की तरफ जा रहे हैं तब भी मैं आपको 3 फॉर्मूले बताता हूँ, जिसे हम सिग्मा एम, सिग्मा एस और सिग्मा एल से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसमें है स्ट्रेस ड्यू टू विंड मूवमेंट, तो एम, विंड मूवमेंट है ना, तो एम से डिनोट करेंगे। स्ट्रेस ड्यू टू चिमनी वेट, एस, सिग्मा एस से डिनोट करेंगे। स्ट्रेस ड्यू टू लाइनिंग, ब्रिक लाइनिंग, जो उसमें लाइनिंग है ना, जो स्ट्रेस डिनोट करते हैं वो सिग्मा एल से करते हैं। तो इन दोनों के फॉर्मूले हैं, ये आपको इंडियन स्टैंडर्ड में से मिल जाएंगे, इसमें से फॉर्मूले गिवन है ये। मैं तो कहूँगा आप ना ही ढूंढो तो अच्छा है, बस जैसे हैं वैसे याद कर लो, वैसे भी आप हम इंजीनियरिंग के अंदर काफ़ी चीज़ें मुँह जुबानी याद कर लेते हैं, आपको ये तीनों फॉर्मूले मुँह जुबानी याद होने चाहिए। जैसे कि सिग्मा एम का 4 mw, ये मूवमेंट है, π/4 d², π/4 × d² × थिकनेस, ठीक है। और सिग्मा एस के लिए है 0.079 × h। उसके बाद सिग्मा एल की बात करेंगे तो 0.002 × h/t। लेकिन स्ट्रेस कैलकुलेट करने से पहले हम चिमनी की एक बेसिक थिकनेस एज्यूम कर लेंगे। नाउ द मिनिमम थिकनेस ऑफ द शेल फ्रॉम द स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, उसे एज्यूम करने का एक तरीका है, जो हमारा डायमीटर है ना टोटल, अपॉन 500 कर लेते हैं, और जो डायमीटर हम रखेंगे वो mm में रखेंगे, तो हमारा है 2 मीटर है जो डायमीटर है, तो उस mm में रखेंगे, 2000 हो जाएगा डिवाइड बाय 500, तो 4 mm की हम बेसिक और मिनिमम थिकनेस उसकी रख सकते हैं। ये बात कहाँ है, पेज नंबर 4 में है, कोड है 6533 part 2 1989। उसके बाद आप क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे लेट द डिज़ाइन लाइफ ऑफ द चिमनी ऑफ 20 ईयर एंड कोल इज़ यूज टू फ्यूल फॉर बॉयलर, मतलब जो हम चिमनी यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हम, ये तो जो फ्यूल एज अ फ्यूल हम उसके अंदर बर्न करेंगे वो कोल को करेंगे या फिर बॉयलर्स के लिए यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम अपनी तरफ से 4 mm उसके अंदर ऐड कर देंगे थिकनेस जो है उसकी दीवारों की। एड 4 mm टू अकाउंट फॉर कोरोजन, ताकि उसमें कोरोजन ना लगे, 4 mm एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। और एफिशिएंसी 85% ले लेंगे रिवेट जॉइंट की, मतलब उसके अंदर जो भी हम नट बोल्ट यूज़ करेंगे उसके 85% एफिशिएंसी लेकर चलेंगे, कि उनके जो नट हैं
वो वर्किंग कंडीशन में सिर्फ 85% ही अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके बाद हम टेंशन निकाल लेंगे सिग्मा टी मैक्स 0.85 उसका, और एफ वाई का हम 60% लेते हैं तो 0.6 इंटू एफ वाई, तो टोटल आ जाएगी हमारी ये। अब आप ये पूछेंगे हम ये सब क्यों कर रहे हैं, ये बेसिक स्टेप है जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको करना ही करना है हर क्वेश्चन के अंदर, तो आप इतना तो ही ध्यान रख ले। उसके बाद हमारा गेम शुरू होता है यहाँ से सेक्शन X1 X1, ठीक है। जो ये आप ब्लू पेन से देख रहे हो ना, मैंने डॉटेड मार्क्स किए हैं X0 X1 X2 X3 X4, तो हम सबसे पहले X1 सेक्शन लेंगे, ठीक है। और जो ये आपका ये आप डायग्राम देख रहे हैं ना, हमने ऐसे यूज़ूम किया था, जो स्टील टैग है उसके अंदर अगर हमें स्ट्रेस कैलकुलेशन करना है या मूवमेंट निकालना है तो हम उसे है ना एज अ वो मान लेंगे कि वो हमारा कैंटिलीवर है। कैंटिलीवर मतलब कैसे, इसे रोटेट कर देंगे और यहाँ से कैंटिलीवर बन जाएगा, मतलब यहाँ से फिक्स है ना ये ज़मीन के साथ चिमनी, तो इस पर हम आराम से ये जो लगे हुए हैं वैल्यूज़ इनसे मूवमेंट कितना जनरेट होगा कितना रिवॉल्व होगा वो पता लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सेक्शन X1 X1 की, तो ये कहाँ से आया, ये आया हमारा यहाँ से, ठीक है। इसमें जो ये हमारा सेक्शन X11 है ना, इसकी बात करेंगे, और जिसमें HE दिया हुआ हाइट वो अब ऊपर की तरफ लेंगे, पहले स्टेप में मतलब स्टेप टू के अंदर हाइट नीचे की तरफ लेते थे, यानी कि अगर मान लो हम सेगमेंट वन की बात करें तो उसकी टोटल हाइट बताते थे यहाँ तक 40, सेगमेंट टू की बात करें थी 30, लेकिन इसमें उल्टा होगा, इसमें सेगमेंट वन की बात कर रहे हैं, मतलब सेक्शन की बात कर रहे हैं, सेगमेंट की नहीं अब सेक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब ये X11 है यहाँ ये रख दिया मैंने, इससे ऊपर की हाइट की बात करेंगे कितनी है 10, वही लेंगे हम, तो बस वही ली हुई है H की 10 मीटर। उसके बाद डायमीटर लिया 2 मीटर जो है ही, उसके बाद एज्यूम करेंगे थिकनेस हम 6 mm मानता हूँ, हमने 4 ली थी तो उससे थोड़ा सा बढ़ा के यूज़ करेंगे, 6 ले सकते हो आप, 8 ले सकते हो, मैं कहता हूँ 4 मिनिमम क्राइटेरिया, बिल्कुल मिनिमम हम 6 लेंगे थोड़ा सा ऊपर, तो एज्यूमिंग थिकनेस करेंगे हम 6 mm। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे दो कंडीशंस को, वो कैसे करेंगे, HE/D, मतलब जो हमारी हाइट है वो 10 मीटर है और जो डायमीटर है वो 2 है, तो 10/2 करेंगे 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद एंड DT करेंगे, D मतलब डायमीटर, 2 मीटर दिया उसे mm में लेंगे, और टी थिकनेस है क्योंकि थिकनेस हमारी mm में ले रहे हैं हम 6 mm, तो वही कंपेयर करेंगे, तो ये 2000/6 आया, ठीक है। ये हमने क्यों कंपेयर किया ये अभी मैं बताऊंगा आगे वैल्यू में, उसके बाद पहले ये देख लो फ्रॉम द टेबल द कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा CRI 78 N/mm² पेज नंबर 6 से लिया हुआ, और ये कोड दिया हुआ है IS 5633। तो ये दोनों जो वैल्यू हमने यूज़ किए हैं वो कैसे यूज़ करनी है, मतलब ये हमारा 5 आया HE/D की रेशो, DT की रेशो आई हमारी 33.333, तो ये दोनों वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे इसे पता करने के लिए। वो कैसे करेंगे, हम जो अभी हम बात कर रहे थे HE/D की रेशो वो ऐसे देखेंगे हम, ये HE/D आया था ना 10/2 हमारा 5 आया था, तो अप टू 20 मतलब 20 तक हम वैल्यू यहाँ से उठाएंगे इस वाली लाइन से। अब उठानी कहाँ की है, उठाएंगे हम वो देखेंगे हम DT की रेशो आई थी 3.3333, मतलब उससे आगे की लेंगे, यहाँ 300 से आगे ही आएगी ना वैल्यू 333.333, तो हम 350 की उठा लेंगे 78, ये यहाँ से, ये पेज नंबर 6 पर है, कोड में से ली हुई है। और जब हम एक बार ये वैल्यू बता देंगे तो हमेशा ये वैल्यू चेंज होती रहेगी, अगर ये कंडीशंस चेंज हो रही है तो सेम नहीं रहेगी ये वैल्यू यहाँ कंप्रेसिव स्ट्रेस की, ठीक है। फिर हम बताएंगे मूवमेंट एट द सेक्शन X11 कितना है। मैं यहाँ पर वीडियो बस एक लाइन ही बतानी होती है, लेकिन कुछ मेरे दोस्त हैं जिन्हें प्रॉब्लम आते हैं, जिन्हें मूवमेंट निकालना नहीं आता, उनके लिए मैं दे रहा हूँ ये। तो जैसा मैंने वीडियो में बताया था कि हम इसे रोटेट कर लेंगे, मैंने इसे रोटेट कर लिया है, तो ये जो वैल्यू है अब हमें इसमें मूवमेंट एट सेक्शन X11 बतानी है। मूवमेंट एट सेक्शन, ध्यान से सुनना, सेक्शन पे मूवमेंट बताना है, X11 हमारा सेक्शन है, मतलब यहाँ पर इसमें से तीनों में से हमने X11 इसे नाम दिया, तो यहाँ पे हम ऐसे हाथ रख लेंगे, ठीक है। तो ये फिक्स हो गया हमारा और ये फ्री एंड है यहाँ से, तो कैंटिलीवर की तरह ऐसे रोटेट करेगा। कैंटिलीवर में मूवमेंट कैसे निकालते थे, हम मूवमेंट निकालते थे मतलब हमने यहाँ रख दिया और इसके बीच में डिस्टेंस कितना ये है 5, तो 23.578 × 5, तो हमारा जाएगा 177.39 kN। इस सेक्शन पे मूवमेंट आया ये, ठीक है, मतलब कि मेरा X11 पे मूवमेंट जो निकाला है वो आया 23.478 × 5 जो मैंने अभी समझाया, तो हमारी वैल्यू आई ये, वो हमने यहाँ पुट कर दी। वैसे तो ये जो कैलकुलेशन है ना मूवमेंट निकालने का, ये सिर्फ एक लाइन का काम है, लेकिन जिसे नहीं आता उसके लिए मुझे दो अलग से पेज बनाने पड़े उसे समझाने के लिए कि ये ऐसे होता है, ठीक है।
ये आप जितनी जल्दी कैलकुलेट कर सकोगे उतना आपका फायदा है। उसके बाद आपको वही तीन फॉर्मूले बताने हैं जो गेम में हम यूज़ किए थे। और हाँ, ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ सेक्शन वन वन के लिए ही इतनी डिटेल में एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, क्योंकि अगले जो सेक्शंस होंगे ना, सेक्शन जैसे कि है सेक्शन X22, उसके अंदर सेम स्टेप्स रिपीट होंगे जो जो अभी तक हमने किए हैं। ठीक है, तो जो तीन फॉर्मूले में रहते हैं, 4mw/π d² × t, तो हमने ये जो मूवमेंट निकाला है ना अभी, ये जब ताम झाम किया था, वो मूवमेंट हमने यहाँ पे रखने के लिए वो किया था, निकाला था। तो 4 × मूवमेंट रख देंगे जो आया है, उसके बाद π/4 d², d कितना है हमारा, 2 मीटर, मतलब डायमीटर 2 है, और थिकनेस हमने कितनी ली हुई है, t 6, तो वो हम यहाँ पुट कर देंगे, हमारी न्यूटन पर एम एम स्क्वेयर में वैल्यू आ जाएगी। ये सारी वैल्यू न्यूटन पर एम एम स्क्वेयर में आएगी। उसका सिग्मा एस निकालेंगे, उसका फॉर्मूला सेम है, आपको पता है 0.079 × h, h मतलब 10, ऊपर की तरफ, उस सेक्शन से ऊपर कितनी हाइट है, यानी कि वो इसका मतलब है, जो ये सेक्शन है X11, इसके ऊपर कितनी हाइट है, 10, तो वो वाला 10 यहाँ पे लिखा है। ध्यान रखना, इस हाइट में बहुत गलती करते हैं बच्चे, नीचे की हाइट ले लेंगे 30, वो नहीं लेनी है, 10 लेनी है। वैल्यू आ जाएगी 0.79। फिर हम निकालेंगे सिग्मेल, सिग्मेल का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, 0.002 × h/t, h वही फिर से 10 और थिकनेस कितनी है, 6, तो हमारा जाएगा ये। उसके बाद हम स्ट्रेस की कंडीशंस चेक करेंगे। स्ट्रेस की कंडीशन कैसे चेक करेंगे, वो हम करेंगे सिग्मा सी कैलकुलेटिव है कंप्रेसिव और टी टेंशन में, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना लग रहा है। तो इस कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालने के लिए सिग्मा एम प्लस सिग्मा एस सिग्मा एल, ये जो तीनों निकाले ना, इन तीनों को ऐड कर दो, दैट्स इट। तो आपका आ जाएगा 10.39, ये आना चाहिए 78 से छोटा। 78 कहाँ से आया, ये 78 हम अभी अभी निकाल के आए थे यहाँ से, जो हमने निकाला था ना इन दोनों को यूज़ करके, वो 78 उससे छोटी आनी चाहिए जो हमारी स्ट्रेस आ रही है। तो फिर हम इसके अंदर ऐसे रख लेंगे। उसके बाद सिग्मा टेंशन निकालेंगे। टेंशन निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें करना होता है इसमें से ये माइनस करना है, जो ऊपर के दो है ना, सिग्मा एम और एस, एम माइनस एस करना है, सिग्मा एम माइनस सिग्मा एस, यानी कि 6.23 − 0.79, हर स्टेप में सेम रहेगा। ठीक है, तो हमारा 5.44, और ये छोटा होना चाहिए 127.5 N/mm² से। ये कहाँ से आया, ये 127 हमने यहाँ निकाला था, ये भी पिछले पेज पे निकाला था। तो ये सब जो तामझाम हमने किए थे ना, ये एक्चुअल वैल्यूज और को पता करने के लिए, ताकि उनसे कंपेयर कर सके, इसलिए हमने ये निकाली थी। तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, दोनों छोटी आ रही हैं जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे, तो हैंस इट इज़ सेफ टू प्रोवाइड 6 mm थिकनेस। तो उस सेक्शन के अंदर हम 6 mm की थिकनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सेफ है। उसके बाद हम सेक्शन 2-2 लेंगे। सेक्शन 2-2 में एच ई कितना हुआ, 20, और डायमीटर हुआ 2। ये कैसा आया, ये जैसा आप देख रहे हैं, हमने लिया सेक्शन 2-2, सेगमेंट 2 नहीं, सेगमेंट 2 ये पिंक कलर से लिखा है, लेकिन मैं कर रहा हूँ बात सेक्शन की, ध्यान से सुनना, सेक्शन X22, ये रहा हमारा सेक्शन X2। तो इससे ऊपर हाइट कितनी है, 10 + 10 20 हो गई, इसलिए यहाँ पे ये 20 लिखा हुआ है। उसके बाद डायमीटर तो सेम रहेगा 2 मीटर, एज्यूमिंग थिकनेस इसके लिए हम 6 mm ही मान लेते हैं, अगर हम एज्यूमिंग 6 ले रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो हमारी गलत आती है, मतलब यहाँ पे जब आगे जाके हमारी कंडीशन फेल हो जाएंगी, तो हम उसे बढ़ा देंगे, दोबारा स्टेप करेंगे। ठीक है, तो वही एज्यूमिंग थिकनेस 6 कर लेंगे, फिर दोबारा से एच ई बाई डी करेंगे, 20/2 करेंगे, और डी बाई टी करेंगे, वही आएगा, सेम वैल्यू आएगी, तो हमें इसे वही ले लेंगे जो 78 हमने ली हुई है, जो हमने ये ली थी, इसमें सेम रहेगी कंडीशन, तो हम वही ले लेंगे। वो सेम इसलिए रहेगी क्योंकि 20/2 करेंगे तो हमारी आएगी 10 वैल्यू, और डी बाई टी करेंगे तो वही 3.33 आएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, एच ई बाई डी हमारा है 10, 20/2 करके, तो अप टू 20 तक, मतलब 20 तक अगर वैल्यू आएगी वो तो इसी लाइन में रहेगी, और 33 है तो 78 रहेगी। ये वैल्यू चेंज होती रहती है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अगर सेम आ रही है तो हम सेम यूज़ कर रहे हैं, वैसे आपको हर सेक्शन में चेक करनी पड़ेगी। तो टेबल में से हमने देख लिया, फ्रॉम द टेबल कंप्रेसिव स्ट्रेस हमारा सिग्मा सी वो आया 78 N/mm², और उसके बाद हम मूवमेंट निकाल लेंगे X22 पर। ये भी मैं यहीं छोड़ देता इस एक लाइन के अंदर, लेकिन मैंने हाईलाइट इसलिए कर रखा है, कुछ लोगों को ये मूवमेंट ही नहीं समझ में आएगा कैसे निकालना है। ये हमारा डायग्राम है, X22 पे हमें मूवमेंट निकालना है, यहाँ पे हाथ रख लेंगे, अब इसे रोटेट कर लेंगे ऐसे। तो आप कैंटिलीवर में X22, अगर मान लो इस सेक्शन पे आपको मूवमेंट निकालनी है, और दो लोड दे रखे हैं आपके सामने, दो लोड दिख रहे हैं आपको, ठीक है, दो लोड दिख रहे हैं, तो इनका निकालते कैसे, ये 23 × ये डिस्टेंस कितना है, 10, तो ये हो गया 5 + 5, 10 + 5 = 15, ठीक है, और इस वाले का 22.422, इसका हुआ 5 डिस्टेंस, मतलब इससे 5 डिस्टेंस हुआ। ठीक है, तो इसे हम लिख लेंगे, तो हमने लिख लिया ऐसे, फिर हमारा आंसर आएगा इन्हें मल्टी सॉल्यूशन निकाल के, 464.38 kN/m, जो हमारा मूवमेंट आता है वो किलो न्यूटन मीटर न्यूटन उसमें यूनिट में आता है।
ठीक है, तो इस लाइन के पीछे की कहानी आपको समझ में आ गई। अब फिर से हमें वही लगाना है, सिग्मा एम सिग्मा एस और ये हमारा सिग्मा एल, ठीक है। उसके बाद वही तीन फॉर्मूले हैं, सारी वैल्यूज आपको आ जाएंगी, पता है ना कैसे करना है सारी। इसमें जो एम डब्ल्यू है वो यहाँ से उठा के लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा डी स्क्वेयर है, ये 22 लिख दिया बाय मिस्टेक, ये 2 का स्क्वेयर है, डायमीटर का स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर है, 2 छोटा बनना था बड़ा बना दिया। उसके बाद ये तीन वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो चेक करेंगे स्ट्रेस कंडीशन, चेक स्ट्रेस करने के लिए कंप्रेशन में कैसे, सिग्मा सी कैलकुलेटिव कितना आएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे, सिग्मा एम सिग्मा एस सिग्मा एल जो ये वैल्यूज आई हैं इन तीनों को ऐड कर दिया, हमारा ये आ गया। इसे कंपेयर करेंगे, 78 से छोटा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम बात करेंगे सिग्मा टी की, तो सिग्मा एम माइनस सिग्मा एस कर देंगे, 24 में से ये 1 माइनस कर देंगे पॉइंट जो भी है, तो ये हमारा जाएगा, ये 127 से आया है, ये फर्स्ट टाइम में बता चुका है 127 कहाँ से लिया है हमने, ठीक है। तो हैंस इट इज सेफ टू प्रोवाइड 6 mm थिकनेस, तो इसके अंदर ही हम 6 mm की थिकनेस प्रोवाइड कर देंगे। अब हम चलेंगे सेक्शन 3-3 में, सेक्शन 3-3 में एच कितना हुआ, 30 मीटर। अब हम बात करें X33 की, तो यहाँ पे मैंने ये रख लिया, इसके ऊपर हाइट कितनी है, 10 + 10 + 10, ये रही 10 + 10 + 10 30, तो इसलिए 30 लिया है। फिर हम डायमीटर की बात करेंगे, वो आएगा 2 मीटर, एज्यूमिंग थिकनेस यहाँ पे हम बढ़ा लेंगे थोड़ी, मैंने क्यों बढ़ाई है अब आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा, दो सेक्शन के बाद आप थोड़ी सी बढ़ाई दो, मतलब जैसे आपने दो सेक्शन कवर किए उसके बाद थोड़ी सी हाइट बढ़ मतलब थिकनेस बढ़ा दो, जैसे जैसे नीचे आएंगे तो थिकनेस बढ़ती जाएगी ना। अगर आप यहाँ 6 लेते ना, आप 6 लेके भी रख लो आपकी कंडीशन फेल हो जाएंगी, फिर फेल हो जाएंगी तो आप टेंशन में आ जाओगे, आपको दोबारा स्टेप करना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले ही बढ़ा ली। तो आप जब न्यूमेरिकल करोगे तो आपको ये अंदाजा होने लग जाएगा धीरे धीरे, जैसे एक या दो न्यूमेरिकल करोगे ना उसके बाद आपको अंदाजा होने लग जाएगा कि हाँ आप वैल्यू बढ़ने वाली है यहाँ से, तो मैंने 8 ले ली। उसके बाद वही करेंगे हम एच ई बाई डी करेंगे, एच ई में 30 हाइट, अब हमारी 30 है, डिवाइड बाई 2 डायमीटर 2 ही है, डी बाई टी टी थिकनेस हमने 8 एज्यूम किया तो 8 लेंगे। अब ये वैल्यू चेंज हो जाएगी जो टेबल में हम यूज़ करते हैं, तो ये अब हमारी 15 और 250 आ रहा है, तो हम इसे टेबल में चेक करेंगे। तो हमारी एच ई बाई डी की जो रेशियो आई थी वो आई थी हमारी 15 अप टू 20, हमें इसी लाइन में देखना है तो इसी लाइन में देखेंगे, और जो हमारी आई थी हमारी वैल्यू आई थी हमारी डी बाई टी वो हमारी आई थी 250, तो ये रहा 250 और ये अप टू 2, तो ये आ रही है 99, दिख रहा है। ये वही टेबल है, पेज नंबर 6 पर मिल जाएगी, और कोड है ये 6533 Part 2 1989। तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेस हम ले लेंगे 99 न्यूटन पर mm स्क्वेयर, तो मूवमेंट एट दिस सेक्शन एम एक्स टू टू टू, तो हमने ये निकाल दिया। अब ये मूवमेंट आया, इसके पीछे की कहानी भी आपको जाननी होगी ज़रूर, ये हमारा आया। अगर मान लो हमें मूवमेंट निकालना है यहाँ पर, ठीक है, अब हमारे पास तीन लोड हैं, तो पहले वाला जो ये लोड है ये 5 mm की 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, जो दूसरा लोड है ये हमारा 5 + 5 + 5 = 15, और जो तीसरा लोड दिख रहा है ना आपको, तो ये हुआ 10 + 10 + 5 यानी कि 25 के दूरी पर है, तो बस वही मल्टीप्लाई करके लिख दे, ठीक है। ये लिख दिया 23 × 5, 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ से अगर हम लेंगे तो ये 25 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। उसके बाद दूसरे की बात करेंगे हम, 22.442 × 15 मल्टीप्लाई 15 क्यों किया, ये जो डिस्टेंसेस के बीच का, इन दोनों पॉइंटों के बीच के इस सेक्शन से 10 + 5 = 15 का है, और ये वाला है 5 का, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके रख देंगे, हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके पीछे की कहानी भी आपको पता चल गई। उसके बाद फिर से वही तीन स्टेप, मतलब तीन फॉर्मूले, ये सिग्मा एम सिग्मा एस और सिग्मा एल, ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, एम डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से उठा के इसके अंदर पुट कर देंगे, डायमीटर सेम रहेगा, यहाँ थिकनेस ध्यान रखना कभी 6 ही लिख दो, फ्लो फ्लो में, फ्लो में नहीं जाना है, आपने अज्यूम किया था 8 mm तो यहाँ 8 रखेंगे, अभी पीछे दो स्टेप में हम 6 रखते हुए आ रहे हैं, तो हमारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ये सारे आंसर आ जाएंगे। फिर हम चेक करेंगे स्ट्रेस कंडीशन, स्ट्रेस कंडीशन चेक करने के लिए कंप्रेशन में चेक करना है, तो इन तीनों का सम वो कर दिया हमने, आया 15, 99 से छोटा है, दैट्स गुड। उसके बाद सिग्मा टी की बात करेंगे, मतलब टेंशन स्ट्रेस इन टेंशन, तो टेंशन चेक करेंगे तो 40 - CA कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा 38 जो कि छोटा है 127 से, तो ये भी हमारा ठीक है, ओके वेल एंड गुड। हम यूज़ करेंगे 80 mm थिकनेस इन दिस सेक्शन, 80 mm की थिकनेस यूज़ कर लेंगे हम इस सेक्शन के अंदर। अब बात करेंगे हम सेक्शन 4-4 की, जो बेस सेक्शन है, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज होगा लेकिन इतना भी चेंज नहीं होगा। तो एच की बात करें, 40 आ जाएगा, डायमीटर होगा 3.2, ये कैसे आया लिखा हुआ है, जो इसमें एज्यूमिंग थिकनेस है ना वो हम 10 क्यों लेंगे, वो इसलिए लेंगे क्योंकि सारा लोड इसी
चिमनी के ऊपर है, मतलब बेस के ऊपर ही तो सारा लोड है जितना भी है, तो इसे थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, 2 mm और बढ़ा लिया, तो 10 mm लिया, या mm एक्चुअली मीटर में लिख दिया गलती से, ठीक है। उसके बाद एच ई बाई डी लेंगे, ये री वैल्यू, डी बाई टी लेंगे 320, वही करना हमें उसे, फिर से टेबल उठाएंगे, टेबल उन दोनों कंडीशन के हिसाब से अब की बार हम उठा रहे हैं यहाँ से 70 वैल्यू, क्योंकि वो 400 आया है डी बाई टी, और वो अप टू 20 तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ से हम उठाएंगे, हम इस बार उठाएंगे हम 70। तो फ्रॉम द टेबल द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस हमारा गया 70 न्यूटन पर एम एम स्क्वेयर। उसके बाद हमारी फिर से वही लाइन बेंडिंग मोमेंट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेंडिंग मोमेंट, इसमें निकालना। अब मुझे मूवमेंट निकालनी है एक्स फोर फोर पे, ठीक है, तो सारी चीज़ सेम रहेंगी, लेकिन जो इस पे लोड लग रहा है ना वो बिल्कुल मिड में नहीं लग रहा होगा, वो 10/3 पॉइंट पे लग रहा होगा, क्योंकि ये ट्रेपोजियम सेक्शन है। इतनी बात समझ में आ गई, तो इन सब का डिस्टेंस तो आपको पता होगा, इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हुआ, ये होगा 10 + 10 + 10 यानी कि 30 + 5 = 35, ठीक है, इस वाले लोड का डिस्टेंस हो 35, इसका होगा हमारा 10 + 10 + 5 यानी कि 25, और इसका होगा 10 + 5 = 15, और इसका जो होगा वो होगा 10/3, ओके। तो बस वही लिखा है मैंने, वो 35 लिया पहले लोड का, दूसरा का 25, फिर 15 और उसका 10/3। लेकिन जो यहाँ पे आप ये यूज़ करोगे ना एरिया निकालने के लिए, अब तक जो हम यूज़ कर रहे थे वो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे थे उसके अंदर, लेकिन इसके अंदर है ना हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ट्रेपोजियम है इसका ना जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक्चुअली 10/3 पर भी एक्ट कर रही है, वो एक्ट कर रही है इस पूरे फैक्टर पे, यानी कि 3.2 जो नीचे का बेस था प्लस 2 × 2 डिवाइड बाय 3.2 + 2, ये ट्रेपोजियम का सेक्शन है, आपको एज इट इज़ याद करना है, ठीक है। जो नीचे वाला बेस है 3.2 वो एज इट इज़ रख दिया, जो ऊपर वाला है उसमें 2 × 2 कर दिया, और डिवाइड में 3.2 + 2 कर दिया, और इसे × 10/3 कर दिया। इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपका ये आएगा ये वैल्यू। तो अब की बार आपको इसके पीछे की कहानी पता चल गई। उसके बाद आपको यही है सिग्मा एम सिग्मा एस तीनों का सम करना आएगा स्ट्रेस चेक करने के लिए, आ जाएगा इतना, उसके बाद 70 आ जाएगा, ठीक है, सिग्मा टी और सिग्मा एल आ जाएगा आपका, ये दोनों कंडीशन। हैंस जो हमारा बेस सेक्शन है उसके अंदर हम 10 mm थिकनेस प्रोवाइड कर सकते हैं इजीली, वो सेफ है हमारी, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेफ हो रही है। अगर आपकी ये दोनों कंडीशन सेफ नहीं आती हैं तो आप इस स्टेप को दोबारा करेंगे और थिकनेस थोड़ी और बढ़ा लेंगे, ठीक है, बढ़ा लेंगे, फिर से आप टेबल में से वैल्यू देखेंगे, फिर से ये सारे स्टेप करेंगे और ऐसे करेंगे। तो हमारे ये तीन स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद आपके ये तीन स्टेप बचते हैं, डिज़ाइन ऑफ बेस प्लेट, होल्डिंग डाउन बोल्ट और डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप ना भी करो तो भी, मैंने किया हुआ है पर मैं इसे समझाऊंगा नहीं फिफ्थ स्टेप को, मैं बस ये बताऊंगा और ये बताऊंगा, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आता है हमेशा यहाँ तक आता है, या तो आपको बेस प्लेट पूछ लेंगे, ये तो आपको निकालने तीन स्टेप, ठीक है, वो मैं आपके निकालने बता चुका हूँ। उसके बाद आपको बोलते हैं कि बेस प्लेट निकाल के दिखा दो या डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशन बता दो। तो अब हम अगले स्टेप पर चलेंगे जो कि हमारा फोर्थ स्टेप है, डिज़ाइन ऑफ बेस प्लेट। डिज़ाइन ऑफ बेस प्लेट निकालने के लिए मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस एट बेस पर बताना है, यानी कि आपको नीचे बताना है, तो उसे सी से डिनोट कर देंगे। फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, जैसा कि आपने वो तीन फॉर्मूले लगाए थे सिग्मा एम सिग्मा एस और सिग्मा एल। सिग्मा एम में ये था आपका, और ये था आपका सिग्मा एल, और ये था आपका सिग्मा एस। इसके अंदर हम एच रख लेंगे, टी रख लेंगे, इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, ये मीटर से इनटू वो चेंज करने के लिए है, फैक्टर मीटर टू एमएमएम टू मीटर। तो सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब जो यहाँ पे एमडब्ल्यू है ना, आप पूछोगे कि एमडब्ल्यू यहाँ कितना लेंगे, जो बेस पर आया है हमारा, बेस का मतलब एक्स फोर फोर सेक्शन पर जितना आया है, तो ये आया है टोटल हमारा, इसे लेंगे हम, वो यहाँ पुट कर लेंगे। उसके बाद डायमीटर लेंगे, जो नीचे का डायमीटर है सबसे बड़ा डायमीटर 3.2 का था, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। हाइट कितनी थी, हाइट लेंगे 30। हाइट 30 क्यों ली है, हाइट 30 हमने इसलिए लिया क्योंकि हम इस सेक्शन पे निकालने हैं, मतलब इसमें अब सेगमेंट की बात आ गई, सेगमेंट, तो इससे ऊपर की हाइट कितनी है, 30 है, ठीक है, वो इसलिए लिया 30 हमने इसलिए लिया क्योंकि इससे ऊपर की है वो, तो इसलिए हमने 30 लिया है। सेगमेंट की बात कर रहे हैं, इससे ऊपर है 30, तो इसलिए हम यहाँ पर हम जो एच है वहाँ टोटल हाइट लेंगे वो 40 लेंगे। ध्यान रखना इसमें एच 30 लिया, मतलब वो जो ऊपर का सेक्शन है बेस से ऊपर, और ये पूरा टोटल, उसके बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी। फिर हम लिखेंगे, हम क्वेश्चन में लिखेंगे मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर यूनिट सर्कमफेरेंस, मतलब वो एक चिमनी है तो उसमें राउंड है ना, राउंड को करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिग्मा को, जो ये वैल्यू आई है हमारी सी की वैल्यू जो आई है ना 31, मल्टीप्लाई 12 कर दिया, तो किलो न्यूटन पर मीटर आ जाएगी हमारी मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ।
उसके बाद विड्थ ऑफ द बेस, बेस कितनी लेनी है, एफ बाय सिग्मा पी एल करेंगे। ये सिग्मा पी एल की वैल्यू 4 × 10³ ही लेनी है और जो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे उसके बाद आएगा 78.85 मीटर। हर क्वेश्चन में ये जो सिग्मा पी एल है ना ये 4 × 10³ रखना है आपको। उसके बाद हम प्रोवाइड करेंगे एक बेस विड्थ 100 मीटर, बेस विड्थ प्रोवाइड कर देंगे। एम एम गलत लिख दिया मैंने, यहाँ मीटर आना था मीटर। तो प्रेशर अंडर बेस कितना है डिवाइड कर लेंगे तो इतना आ रहा है पर एम एम स्क्वेयर, 3.155 mm पर एम एम स्क्वेयर। थिकनेस ऑफ बेस प्लेट बतानी है उसके लिए फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, यूं यूज करना है। थिकनेस को टी से डिनोट करा, सी डिवाइड बाय 3 × p/1। पी हमने अभी पिछले प्रीवियस पेज से प्रेशर निकाला है, अंडर प्रेशर तो 3.155 और 1/85 करना है। सी की वैल्यू 150 ही रहेगी, हर क्वेश्चन में 150 ही लेनी है। उसके बाद आपसे कहा ये एम एम। उसके बाद इफेक्टिव बेस प्लेट थिकनेस कितनी आई, 33 - 10 कर देंगे। 10 क्यों करी, क्योंकि हमने जो नीचे का वो अज्यूम 10 की थी, इफेक्टिव नहीं थी ना, मतलब हमने 10 ओवरऑल थिकनेस ली थी, लेकिन जो इफेक्टिव होती है वो माइनस कर देंगे इसके अंदर से, तो 23 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यूज अ बेस ऑफ 100 मीटर वाइड इंटू 25 mm थिक, ठीक है। उसके बाद आपका स्टेप 5 है होल्डिंग डाउन बोल्ट, तो हम इसके अंदर 45 mm हाई टेंसाइल बोल्ट यूज़ करेंगे जिनकी वैल्यू 340 Nm/mm² होती है। अलेबल टेंशन स्ट्रेस एट बोल्ट कितने होगा, 0.6 fy, fy का 60% लेते हैं तो fy कितना है 340। बोल्ट की बात हो रही है बोल्ट की, उसके बाद 204 आ जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ एक बोल्ट की स्ट्रेंथ कितनी है वो लगाते थे ना, π/4 d² × π/4 d² × strength 204, ये रही स्ट्रेस जो मल्टीप्लाई करा उसे कर दिया 260 kN आ जाएगा हमारा। फिर हम वेट निकाल देंगे टोटल कितना आया, डायमीटर निकाल देंगे 230, ये जो नीचे का 3.2 था उसमें प्लस 100 कर देंगे हम अपनी तरफ से सेफ्टी फैक्टर एज्यूम करने के लिए। उसके बाद ये फॉर्मूला है एंकर बोल्ट की जो स्पेसिंग है ना उसका, ये फॉर्मूला है। इसके अंदर सारी वैल्यूज आपको पता है क्वेश्चन के अंदर, WMM WS सारी वैल्यूज पर, WS ये रहा यहाँ पे वैल्यू उठा के रख देंगे, MW कितना आया था 18 जो नीचे बेस का था वो रख देंगे, RT की वैल्यू भी आप निकाल गए 260 × 10³ कर देंगे किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद ये mm में आ जाएगा, तो इसे हम ओवरऑल 60 mm की स्पेसिंग पे जो उसके अंदर बोल्ट यूज होंगे ना, तो यूज 45 mm डायमीटर बोल्ट एट अ स्पेसिंग ऑफ 600 mm सेंटर टू सेंटर, ये लिख देंगे वैल्यूज। फिर उसके बाद ये जो स्टेप 5 मैंने आपको बताया ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है करने के लिए, आप हर क्वेश्चन में अगर यही याद कर लेंगे ना तो आप यही लिख देना स्टेप 5, लेकिन स्टेप 6 जो है वो इंपॉर्टेंट है डिजाइन ऑफ फाउंडेशन करने के लिए। वो कैसे निकालते हैं, डायमीटर ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट फाउंडेशन जो प्रोवाइड करेंगे हम, वो पी जेड निकालेंगे MW का 1/4, तो जो MW आपकी वैल्यू आई थी ना जो आपने यहाँ भी पुट कर रखी है MW नीचे की, उसका 1/4 ले लेंगे तो 1/4 कर देंगे, वो आएगा 6.6 मीटर। और जो डेप्थ है फाउंडेशन की, फाउंडेशन की डेप्थ है ना वो 40% होती है इसकी जो ये आया आपका डायमीटर, तो 0.4 × 6.6 ही आ जाएगी 2.64 बस। तो हो गया प्रोवाइड फाउंडेशन ऑफ डायमीटर एंड डेप्थ 6.6, ये लिख दी एंड डेप्थ होगी 2.64 मीटर, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन था स्टील सेल सपोर्टिंग स्टील स्टैक का। अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊं किसी और टॉपिक पे तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं कि इस वीडियो पर आपको, इस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, और प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।